मेरिने टोरेडियन की शादी हो चुकी है और उनकी तीन तीन बच्चे भी है। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वेल तो हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था मिराक्यूलस के एक फैन मेड स्पेशल एपिसोड में, जिसमें हमें मेरिनेट और एडियन की शादी से लेकर मिराक्यूलस की हैप्पी एंडिंग तक सब कुछ दिखाया गया है। इसीलिए आज हम लोग लेके आ चुके हैं इस स्पेशल एपिसोड की छोटा सा एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें एक जांच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेरिनेट और एडियन की शादी को एंजॉय करने के लिए हर कोई मौजूद था। मेरिनेट की पेरेंट्स मास्टर फू, एड्रियन की फादर जो कि अपने मन ही मन सोच रही थी, हालांकि मैं इस शादी से सहमत नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इससे मेरा बेटा बहुत खुश दिख रहा है। फिर हम लोग क्लोई को देख पाते हैं, जो कि मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कह रही थी, मैं एड्रियन से इतना ज्यादा प्यार करता था लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़ के उस बेकरी वाली से शादी कर रही है। फिर हमें एक फूलों का गुलदस्ता के साथ मेरिनेट को आते हुए दिखाया जाता है, और यहाँ पर मेरिनेट दुल्हन के कपड़े में क्या ही खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर के लिए तो मैं पहचान ही नहीं पाया कौन सा गुलदस्ता है और कौन सा मेरिनेट। फिर मेरिनेट धीरे धीरे एड्रियन के करीब पहुँचता गया और वो दोनों ही एक दूसरे की बहुत करीब आ चुकी थी। फिर वो दोनों एक दूसरे को शादी की अंगूठियां पहना के एक दूसरे से सातों जन्म तक एक साथ रहने की कसम खाती है, और फिर फाइनली वो दोनों एक दूसरे को किस करते हुए एक दूसरे में खो जाती है। और इस मोमेंट में पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रही थी ना, आई हाय, मेरी दिल को छू रही थी। साथ फेरे संगलु तेरे, बस रहना मुझको है तेरे साथ। याद आती है मुझे अपनी पहली मुलाकात। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं। मेरिनेट और एड्रियन की शादी के बाद हमें तीन साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है, जहाँ पर मेरिनेट और एड्रियन एक साथ बैठ के लंच कर रही थी और उन्होंने अपने साथ एक बहुत ही प्यारा डॉग पाल रखा था, जिसके साथ वो लोग एक साथ बाहर घूमने आई थी, जहाँ पर वो दोनों एक साथ बहुत ही अच्छी रोमांटिक टाइम स्पेंड करती है। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेरिनेट को पता चलती है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था। लेकिन एड्रियन इससे बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहा था, जो देखकर मेरिनेट भी अपने मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। फिर हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेरिनेट एड्रियन से पूछ रही थी, हम हमारे बच्चे का नाम क्या रखेंगे, जो सुन के एड्रियन कहता है, हमारा बच्चा बिल्कुल तुम्हारे जैसा स्वीट पैदा हुआ है, इसीलिए हम लोग हमारे बच्चे का नाम स्वीट ही रखेंगे, और तुम देखना हमारा स्वीट ही बड़ा होके बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनेगा। ये कहते ही एड्रियन मेरिनेट को गले से लगा लेती है, और फिर धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है और स्वीटी बड़ा होता रहता है, और इन दिनों ये लोग एक साथ काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। और फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेरिनेट की दो अलग अलग हेयर स्टाइल की जुड़वा बच्चे पैदा हुआ था, जिसके वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग एक मेले में घूमने आया था, जहाँ पर वो लोग एक साथ खूब मस्ती मजा करती है। और इसी के साथ हमारी आज का ये फैन मेड स्पेशल एपिसोड की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को याद से ऑन कर लेना, क्योंकि आज से इस चैनल पे ऐसी शानदार एक्सप्लेनेशन की वीडियोस आते रहेंगे। सो इसीलिए बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लेना। बाकी हम मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्ट ऑफ माय मिराक्यूलस यूनिवर्स।